नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि किन लोगों को ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, यानी किन लोगों को ITR भरना आवश्यक है, क्योंकि सरकार की तरफ से 23 जुलाई को जब से अपना पूर्ण बजट पेश किया गया है उसमें एक न्यू टैक्स रिजीम लॉन्च की गई है, तब से लोगों के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है कि किन लोगों को अपना ITR भरना चाहिए, कौन से लोग टैक्स पेयर होंगे, कितनी इनकम टैक्स फ्री होगी, किन लोगों को अपना ITR नहीं भरने की आवश्यकता है। पूरी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। आप लोगों के मन में जो भी कंफ्यूजन है ITR को लेकर के, इनकम टैक्स को लेकर के, सारे के सारे दूर हो जाएंगे, क्योंकि 6-7 ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर आपको ITR भरने की आवश्यकता है। अगर आप उनमें से एक भी कंडीशन को आप पूरा करते हैं तो फिर आपको ITR भरना मैंडेटरी है। अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनाल्टी इम्पोज कर सकता है जो कि 300% तक हो सकती है, यानी बहुत ही हैवी पेनाल्टी आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इम्पोज कर सकता है। अगर आप उन 6-7 में से किसी एक कंडीशन को पूरा करते हैं और उसके बाद भी आप ITR फाइल नहीं करते हैं उस दशा में, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों को वो सभी कंडीशंस बताएं। इसके साथ दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, वीडियो के एंड में हम आपको एक ऐसी कंडीशंस बताने वाले हैं, एक ऐसा पॉइंट बताने वाले हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि एक एक कंडीशन एक एक बात आप लोगों की समझ में अच्छी तरह से आ जाए, आप लोगों को पता चल जाए कि आप टैक्स पेयर के दायरे में हैं या नहीं हैं, आपको अपना ITR फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ITR फाइल करने के क्या क्या बेनिफिट हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आप लोगों को सबसे पहले एक बात बता देना चाहते हैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि ITR फाइल करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप टैक्स पेयर हो जाएंगे, आपको इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना नील ITR फाइल करते हैं। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपना TDS रिफंड लेने के लिए ITR फाइल करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं ITR फाइल करते हैं और जीरो फाइल करते हैं, उनका एक भी पैसा उनको टैक्स नहीं देना होता है, बस वो प्रतिवर्ष अपना ITR फाइल करते हैं। अब उसका बेनिफिट ये है कि उन्हें भविष्य में कभी कहीं लोन लेना है तो वहां पर आपसे 2 साल या 3 साल का ITR मांगा जाता है, आपको होम लोन की आवश्यकता है, बड़े लोन की आवश्यकता है तो वहां पर आपसे ITR मांगा जाता है। तो अगर आपके पास में 2-3 साल का ITR है तो आपको दिक्कत नहीं होती है, और अगर आपके पास में ITR नहीं है तो फिर आपको लोन नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग ITR फाइल करते हैं। और इसके साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपना ITR फाइल करके अपना TDS रिफंड लेते हैं, यानी सरकार खुद उन्हें पैसा देती है। जब वो अपना ITR फाइल करते हैं तो सरकार की तरफ से उन्हें TDS रिफंड किया जाता है। जी हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका भी कहीं ना कहीं से TDS कट रहा हो और आप ITR फाइल नहीं करते हैं जिससे आपका पैसा सरकार के पास फालतू जा रहा है। आप चाहें तो अपना ITR फाइल करके वो पैसा रिफंड ले सकते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि वो 6-7 ऐसी कौन सी कंडीशन होती हैं जिनकी वजह से आपको ITR भरना आवश्यक है, और दूसरी चीज कितनी इनकम टैक्स फ्री होती है वो भी हम आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाले हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी इतनी इनकम है तो आप टैक्स पेयर के दायरे में नहीं आते हैं। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉइंट की, यानी सबसे पहली कंडीशन की। दोस्तों, पहली कंडीशन ये होती है कि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए अपने बिजली का बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर देते हैं उस दशा में आपको ITR भरना आवश्यक होता है। अगर आप ITR नहीं भरते हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस कभी भी आपको मिल सकता है अगले 3 सालों में, यानी जब भी आपने 1 वर्ष में 1 लाख रुपए का बिल पार किया है, इलेक्ट्रिसिटी का पे किया है, उसके अगले 3 साल में कभी भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है और आपसे जवाब मांग सकता है, बहुत सारी चीज उसमें पूछ सकता है। ऐसे में आप बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। तो अगर आप 1 वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक का बिजली का बिल पे कर रहे हैं उस दशा में आपको ITR फाइल करना आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके नाम पर 2 कनेक्शन 3 कनेक्शन 4 कनेक्शन होते हैं। मान लीजिए उनका गाँव में भी मकान है, शहर में भी है, किसी अन्य शहर में भी है, और उन्होंने सभी जगह कनेक्शन अपने नाम से ले रखा है उस दशा में, या फिर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि एक ही कनेक्शन में उनका पूरे 1 साल का बिजली का जो बिल होता है वो 1 लाख रुपए को क्रॉस कर जाता है, उस दशा में आपको ITR भरना मैंडेटरी है। अगर आप ITR नहीं भरेंगे तो आपको नोटिस मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर आप 1 साल में अपने क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख रुपए कैश में जमा कर देते हैं उस दशा में भी ITR भरना मैंडेटरी है, वरना आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। मैं कैश की बात कर रहा हूं कि जो क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं
उसका जो बिल होता है पूरे एक साल का, अगर आप वो कैश में पे कर रहे हैं और आपने 1,00,000 रुपए को क्रॉस कर दिया तब भी ITR भरना मैंडेटरी है। वही अगर आप ऑनलाइन पे करते हैं नेफ्ट RTGS के माध्यम से, चेक के माध्यम से, UPI के माध्यम से, उस दशा में उसकी लिमिट 10,00,000 रुपए है। यानी ऑनलाइन मोड के माध्यम से अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल 10,00,000 रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में पे करते हैं तब भी आपको ITR भरना मैंडेटरी है, यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आवश्यक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी देना आवश्यक है। अगर आप नहीं भरते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। दोस्तों तीसरा पॉइंट यह होता है कि अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में 20,00,000 रुपए का टर्नओवर कर लेते हैं, चाहे आपने ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया हो, UPI के माध्यम से किया हो, चेक RTGS के माध्यम से किया हो, उस दशा में आपको ITR भरना मैंडेटरी है। अगर आप 20,00,000 रुपए का टर्नओवर कर लेते हैं और उसके बाद आप ITR फाइल नहीं करते हैं तब भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो दोस्तों चौथा पॉइंट ये होता है कि अगर आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में आप एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10,00,000 रुपए की नगद जमा कर देते हैं या फिर नगद निकासी कर लेते हैं तब भी आपको ITR भरना मैंडेटरी है, क्योंकि 10,00,000 रुपए ही लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा तय की गई है। अगर आप इस लिमिट से ज्यादा एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में कैश डिपॉजिट करते हैं या कैश विड्रॉल करते हैं, और ये आपके जितने भी सेविंग अकाउंट हैं सभी को जोड़ करके मैं लिमिट बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि किसी सिंगल अकाउंट के लिए है, आपके अगर 4 सेविंग अकाउंट हैं तो उन चारों सेविंग अकाउंट में जोड़ करके मैक्सिमम आप 10,00,000 रुपए ही एक वित्त वर्ष में जमा कर सकते हैं कैश की फॉर्म में, और आप 10,00,000 रुपए ही विड्रॉल कर सकते हैं। अगर इससे नीचे आपने जमा निकासी किया है एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में सभी खातों को जोड़ करके तो आप ITR मत भरिए, लेकिन अगर आपकी लिमिट क्रॉस हुई है, आप 10,00,000 रुपए के ऊपर गए हैं सभी खातों को जोड़ करके नगद जमा में और नगद निकासी में किसी एक में भी, उस दशा में भी आपको ITR भरना मैंडेटरी है, वरना आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों बात आती है पांचवें पॉइंट की। पांचवा पॉइंट ये है कि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10,00,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट यानी FD बैंक या पोस्ट ऑफिस में करवा देते हैं कैश जमा करके, उस दशा में भी आपको ITR भरना मैंडेटरी होता है, आपको ITR भरना आवश्यक होता है। अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तब भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। तो अगर आप एक साल में कैश जमा करके 10,00,000 रुपए की FD बैंक या पोस्ट ऑफिस में कराते हैं तब भी आपको ITR भरना मैंडेटरी होता है। अब बात कर लेते हैं हम छठे पॉइंट की। दोस्तों छठा पॉइंट ये होता है कि अगर आप एक सामान्य नागरिक हैं और आपने एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में 40,000 रुपए से ज्यादा आपने ब्याज अपनी फिक्स डिपॉजिट या RD से कमा लिया है, या फिर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपने 50,000 रुपए से ज्यादा का ब्याज अपनी फिक्स डिपॉजिट से कमा लिया, यानी इनकम आपकी जो फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट की इनकम है वो 50,000 रुपए से ज्यादा हो गई है, उस दशा में भी आपको ITR भरना चाहिए, क्योंकि तब आपका जो TDS होता है 10% वो कट जाता है, और जब आपका TDS कट जाएगा तो आप अपना ITR फाइल करके अपना TDS वापस ले सकते हैं, टैक्स पेयर के दायरे में नहीं आते हैं। तो जैसे ही आप ITR फाइल करेंगे आपका जो भी TDS कटा है, क्योंकि बैंक आपका 10% TDS काट करके सरकार के खाते में जमा करा देती है, जब आप ITR फाइल करते हैं तो आपको वो TDS सरकार के द्वारा रिफंड मिल जाता है, तो ये आपको बेनिफिट हो जाता है यहाँ पर। तो अगर आपका TDS कट रहा है, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट इनकम से कटा हो या फिर अगर आपको किसी कंपनी से कोई पेमेंट मिला है, कहीं से कोई पैसा मिला है, बीमा कंपनी से कोई पैसा मिला है, तो वहां पर अगर आपका TDS काटा है किसी भी कंपनी ने या बैंक ने, तो आप ITR फाइल करके अगर आप इनकम टैक्स पेयर के दायरे में नहीं है तो अपना रिफंड ले सकते हैं। वहीं अगर आप इनकम टैक्स पेयर के दायरे में आते हैं तो आपका जितना TDS कट चुका है, मान लीजिए आपका इनकम 20,000 रुपए बनता है, आपका इनकम टैक्स 20,000 बनता है और उसमें से 10,000 आपका TDS ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जमा है, उस दशा में आपको सिर्फ 10,000 रुपए अपना टैक्स जमा करना होगा। तो कुल मिलाकर के इन स्थितियों में आपको ITR भरना आवश्यक है। अब आते हैं हम सातवें और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। जो सातवां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, यानी 3,00,000 रुपए को क्रॉस करती है, आपकी वार्षिक इनकम अगर 3,00,000 रुपए से अधिक है तब भी आपको ITR भरना मैंडेटरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आप ITR भर करके हमें जानकारी दीजिए। अगर आपकी वार्षिक इनकम 3,00,000 रुपए को क्रॉस कर रही है, चाहे आप किसी बिजनेस से पैसा कमा रहे हो, चाहे आप किसी प्रोफेशन से कमा रहे हो, या फिर आप सैलरीड पर्सन हैं, तब भी आपको ITR भरना आवश्यक है, भले ही आप 0 फाइल करें, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए। हाँ, अगर आपकी इनकम एग्रीकल्चर से है तो फिर आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपकी इनकम एग्रीकल्चर प्लस बिजनेस से है या फिर एग्रीकल्चर प्लस सर्विस से है, दोनों को ऐड करके आप एग्रीकल्चर भी करते हैं और सर्विस भी करते हैं, उस दशा में आपकी इनकम इतनी ज्यादा हुई है 3,00,000 रुपए को क्रॉस कर रही है, तब भी आपको ITR फाइल करने की आवश्यकता है। वहां पर आपको दर्शाना होगा कि इतनी इनकम मेरी एग्रीकल्चर से है और इतनी इनकम मेरी सैलरी से है या फिर इतनी इनकम मेरी बिजनेस से है।
तो ये आपको जानकारी देना होगा। वहां पर आपको ITR भरना आवश्यक है और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी देना आवश्यक है कि मेरी जो इनकम है वो 3 लाख रुपए से अधिक है, इस दशा में वो कितनी एग्रीकल्चर से हुई है और कितनी आपकी बिजनेस से हुई है, तो यहाँ पर आपको ITR भरना होगा। लेकिन अगर आपकी इनकम सिर्फ एग्रीकल्चर से है तो फिर वहां पर आपको ITR भरने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी कितनी इनकम टैक्स फ्री होती है, यानी कितनी इनकम पर आपको टैक्स नहीं देना है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं इसकी लिमिट सरकार ने तय कर रखी है 7 लाख रुपए। जी हाँ, न्यू टैक्स रिजीम जो सरकार ने लॉन्च करी है उसमें आपकी जो टैक्स फ्री इनकम है वो है 7 लाख रुपए। अगर आप एक पूरे वित्त वर्ष में 7 लाख रुपए कमा लेते हैं तो आपको ITR तो फाइल करना है, क्योंकि आपकी इनकम अगर 7 लाख रुपए से अधिक होगी तो फिर आपको टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो फिर आपको टैक्स नहीं देना है, आपको 0 यानी निल ITR फाइल करना है, यानी 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। तो कुल मिलाकर के आपकी इनकम अगर 3 लाख से अधिक है, आपको ITR तो फाइल करना है लेकिन आपको टैक्स नहीं देना है, सिर्फ आपको वही चार्ज देना है जो ITR फाइल करने का चार्ज 1500 रुपए लगता है वो आपको देना है, बाकी आपको टैक्स नहीं देना है। और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, मैंने आपको बताया कि अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट भविष्य में मिलते हैं। कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपके पास जल्दी नोटिस नहीं आता है, क्योंकि आप ITR भर करके खुद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी दे रहे हैं। आप कभी थोड़ी बहुत लिमिट भी क्रॉस कर जाते हैं उस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको अवॉइड करता है, लेकिन अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं उस दशा में जैसे ही आप लिमिट को क्रॉस करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर आपके ऊपर रहती है और आपको फिर वो नोटिस भेज देता है, उसके बाद आपके ऊपर पेनल्टी भी इंपोज हो सकती है। तो इसलिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो 3 लाख रुपए है, इसको अगर आप क्रॉस करते हैं, एक साल में आपकी वार्षिक इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो आपको ITR भरने की आवश्यकता है, और 7 लाख रुपए तक है तो आप सभी को पता है कि इनकम टैक्स फ्री है, इसमें आपको टैक्स नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ निल ITR फाइल करना है। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।